आज अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि भाई जो सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकार लाई है इससे देश का भला बिल्कुल भी नहीं होने वाला इससे टैक्स पे अलग से बर्डन पड़ेगा और जो एकाध करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे जो 2014 से पहले तक आ गए हैं भारत में इकतीस नंबर दो से पहले तक उन लोगों को भारत की नागरिकता अगर मिलेगी तो भाई उनको भारत सरकार के फायदे भी मिलेंगे और भारत में इतनी बेरोजगारी है पहले से इतनी महंगाई है भाई भाई दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार की पोस्ट के लिए लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम भर रहे हैं वो उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो तो समस्या नहीं हो पा रही है तो अलग से एक आध करोड़ लोग आएंगे उनकी समस्या कैसे होगी अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए अगर उन ढाई तीन करोड़ लोगों में एक डेढ़ करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए उनको कहाँ बसाएंगे उनको कहाँ रहने की जगह देंगे वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे नौकरिया कहाँ से देंगे घर कहाँ से आएंगे तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे इसके साथ साथ केजरीवाल ने एक और बात बोली जो कि थोड़ा रियलिस्टिक भी लगती है केजरीवाल ने बोला कि जो केंद्र सरकार है वो अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए ऐसा कर रही है यानी कि इलेक्शन में फायदा हो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि एक आध करोड़ लोग जो केंद्र सरकार की के इस योजना से लाभान्वित होंगे जिन्हें नागरिकता मिलेगी जिन्हें केंद्र सरकार के योजनाओं के फायदे मिलेंगे जो लाभान्वित होंगे वो लोग बीजेपी के फिक्स वोटर बन जाएंगे प्योर वोटर बन जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने ही उन्हें नागरिकता दिलाई है तो कुल मिला के इलेक्शन में एक, एक करोड़ वोट तो ऐसा हो जाएगा बीजेपी के पास जो बीजेपी को हमेशा वोट दे फिक्स वोटर बन जाएगा बीजेपी का तो बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए सी वाली योजना जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू कर दिया चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे ये क्यों लाए हैं कानून बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है एक डेढ़ करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है और केजरीवाल ने बोला कि भाई जो ब्रिटेन है उसने भी सीए कराया था क्या हुआ ब्रिटेन में और जो कनाडा है उसकी हालत तो सबको पता है भाई क्या हो रहा है कनाडा में तो सीए एक पूरी तरह से फ्लॉप सिस्टम है दो तीन कंट्री ने लागू किया है हर जगह फेलियर रहा है तो कुल मिलाकर केजरीवाल का तो यही कहना है आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है कि भाई सी एक पूरा का पूरा कह सकते हैं राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित है एक किसी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए वोट बैंक एक फिक्स वोट बैंक अपना स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है अब आप इस बारे में क्या सोचते हो क्या आप केजरीवाल की बात से सहमत हो या असहमत हो कमेंट में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए यूके ने भी ये किया था कैनेडा ने भी ये किया था कैनेडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता आज देखो कैनेडा का क्या हाल हो रहा है वहां पर पूरी कानून व्यवस्था चरमार चुकी है वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे हमारे देश के लोग तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लाख लोग हमारे देश के व्यापारी उद्योगपति पिछले दस साल में देश छोड़ के चले गए क्यों क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए लाना है तो उनको लाओ ना पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे व्यापार चलाएंगे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे आसपास के पाकिस्तान के बांग्लादेश के अफगानिस्तान सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के हमारे देश में कम गरीबी है क्या पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो थैंक यू